वेलकम फ्रेंड्स, मैं नरेंद्र दया आज आपके लेके आया हूँ हीरो की इग्निटर 125 सीसी साइकिल पे। आज हम करने वाले इसका रिव्यू। तो पहले इसकी बात करते हैं लुक्स की। अगर लुक के मामले में देखा जाए तो 125 सेगमेंट होने के बावजूद भी ये बाइक लॉन्च हुई थी 2012 में। उस समय लुक्स पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, मतलब ठीक ठाक, मतलब गाड़ी बना दी अच्छी खासी लुक वाइज है तो चल जाएगी, उस समय ये माना जाता। लेकिन आज के टाइम में लुक सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं और पावर भी कहीं ना कहीं। तो अगर लुक भी नज़र डाले तो लुक भी काफ़ी अच्छा था। और इसमें फर्स्ट सेगमेंट थी 125 सीसी में, आपको फ्रेम भी आगे मिलता था। और इसकी अगर फ्रेम की क्वालिटी की बात करूँ तो जो इसका प्लास्टिक मटेरियल है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अब बात करते हैं इसकी सीट की। तो इसमें आपको ड्यूल सीट मिलती थी, मतलब ये जो सीट है ये बीच में से कटी हुई है। उस मतलब 2012 के सेगमेंट में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इसको हट कर रखा गया था। 125 सेगमेंट में काफ़ी चीज़ें डाली गई थी। एक तो फ्रेम डाली गई थी, पीछे ये सीट डबल थी और पीछे वाला लुक भी देख सकते हो वो भी काफ़ी अच्छा था। और इसमें आपको एलॉय व्हील मिलते थे और पीछे वाला टायर भी देख सकते हो काफ़ी बड़ा दे रखा है। अब इसके सॉकर की बात करते हो, इसमें आपको 5 एडजस्टेबल सॉकर मिलते हैं जिसे आप अपने कंफर्ट के हिसाब से यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो पीछे वाला जो पैसेंजर बैठता है उनके बारे में। तो वो अगर कोई बॉय है तो इजीली बैठ सकता है, लेकिन वो कोई गर्ल है या फिर कोई आपकी मम्मी या आपकी आंटी वगैरह कोई भी है तो उनको बैठने के लिए यहाँ पर एक फुटप्रिंट मिलता है सभी बाइकों में, वो इसमें नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो लेडीज़ हैं उनके लिए बैठना थोड़ा सा कह सकते हैं कठिन है। तो इसकी जो गियर शिफ्टर उसकी बात की जाए तो इसमें आपको सिंगल गियर शिफ्टर मिलता है पीछे और प्रोपल्शन मिलता है वो इसमें नहीं, इसको काट कर सिंगल कर दिया था। अगर उस समय के हिसाब से देखा जाए तो उस समय आपको सिंगल गियर शिफ्टर नहीं मिलते थे, सब में डबल मिलता था। बल्कि आपको जो 150 सीसी सेगमेंट है उसमें भी आपको सिंगल गियर शिफ्टर नहीं मिलता था, तो ये काफ़ी चीज़ यूनिक थी। और अब उस तरफ चलते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर छोटे फिन्स भी मिलते हैं, थोड़ा बहुत लुकिंग को ही एक्टिव जरूर करते हैं। अब इसको एक बार मीटर ऑन करके बता देता हूँ आपको। तो आप जब मीटर ऑन करते हो तो उसमें एक बार ये फुल्ली फंक्शन आपके बताते हैं क्या क्या इसमें आपको मिलता है। तो उस समय भी आपको इसमें क्लॉक मिलती थी, ये बहुत अच्छी बात है। मतलब 2012 का सेगमेंट होने के बावजूद भी काफ़ी अच्छे फीचर है इसमें। इसमें आपको एक ट्रिप मीटर और ऑडोमीटर मिलता है और यहाँ पर मिलती है आपको टॉप स्पीड देखने को मिलती है और यहाँ पर मिलता है आरपीएम मीटर। आरपीएम मीटर भी काफ़ी अच्छा है, इसको भी काफ़ी अच्छे से अगर आप इसको एक बार ऑन करके बताता हूँ फिर से तो ये भी काफ़ी अच्छा। और यहाँ पर जो फ्यूल वाला है वो आपको नॉर्मल नहीं मिलता है, कोई डिजिटल नहीं मिलता है। अब बात करते हैं इसकी फ्यूल कैपेसिटी की। तो इसमें आपको मिलता है 12 लीटर का टैंक, इसमें आपका रिजर्व भी इंक्लूडेड है, मतलब 12 लीटर का फुल्ली टैंक मिलता है आपको इसमें। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके इंजन परफॉर्मेंस की। अगर इंजन परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इंजन भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ट्यून है, लेकिन जो इसकी जो हाई स्पीड है वो कहीं ना कहीं आपको निराश कर सकती है। 125 सीसी सेगमेंट होने के बावजूद भी इसकी जो टॉप स्पीड है वो है 100 की। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा 110 तक आप इसे कर सकते हो, उससे ज़्यादा ये नहीं जाएगी। तो कहीं ना कहीं लोगों के एक मन ये भी पॉइंट था कि यार स्पीड इसकी कम है, कम्फर्ट जरूर अच्छा है, माइलेज भी ठीक ठाक है, लेकिन जो इसका माइलेज है वो 150 सीसी सेगमेंट के साथ कंपेयर कर सकते हैं। 125 के हिसाब से कम है लेकिन 150 के हिसाब से देखा तो सही है। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये भी लगेगा माइलेज कम है। लुकिंग बहुत अच्छी थी, जो यंगस्टर है उनकी पहली पसंद जरूर थी ये, लेकिन जो उस समय मतलब एक बार क्या होता है कि इंडिया में ऐसी चीज़ें हैं ना बहुत ही अब जरूरी स्टार्ट हो गई, उस समय बच्चों को ऐसी गाड़ी हाईफाई गाड़ी या जो महंगी गाड़ी या सॉफ्ट गाड़ी नहीं दिलाते थे। तो कहीं ना कहीं ये कारण रहे होंगे इसको डिसकंटिन्यू करने की वजह से। तो ये था एक हीरो का जो बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट जो उन्होंने लॉन्च किया था लेकिन वो चल नहीं पाया। तो थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक शेयर करना ना भूलेगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।